कोए के उसके साथ मिलके कंप्लेनेंट को नाइफ के थ्रू मारा और उनकी अतड़िया बाहर आ गई। लोग तीनों साथ में आए हैं और एक राय होकर मारे हैं, लेकिन मारने का एलिगेशन सिर्फ उसके ऊपर है। चार्ज लगाओ ना, फटाफट आगे बढ़ाओ केस। एक प्रीवियस रिकॉर्ड है ये 294-506-323, यानी मारपीट वाले आदि हैं। अरे सभी तो सहभागी हो आप, तभी तो चाकू मार पाया उसने। थल रहोगे तब आराम से। सप्लीमेंट्री एलिगेशन है कि को एक्यूज के साथ मिलकर कंप्लेनेंट को नाइफ के थ्रू मारा और उनकी अतड़िया बाहर आ गई। लॉर्डशिप, लॉर्डशिप को एक्यूज की बेल यहीं से विड्रॉ हुई है इस केस में। एंड लॉर्डशिप, बट फॉर द प्रेजेंट एप्लीकेंट लॉर्डशिप नथिंग एज इट सीज फ्रॉम द प्रेजेंट एप्लीकेंट लॉर्डशिप। एंड लॉर्डशिप, इसमें दो आई विटनेस है इस केस में। ये विड्रॉ क्यों हुआ था? लॉर्डशिप को एक्यूज की विड्रॉ हुई थी। लॉर्डशिप वो ही मेन एक्यूज है केस में, उसी के पास से नाइफ जब्ती हुई है लॉर्डशिप और उसी ने स्टैब करके मारे हैं। तीन एक्यूज थे टोटल, तीन एक्यूज, तीन एक्यूज थे उसमें से किशोर नारायण जिसकी एक्यूज डिसमिस विड्रॉ हुई है उसके पास उसने मारा है, उसने लोगों ने पकड़ा है वहां पे, पकड़ा है। यस, लॉर्डशिप और इसमें दो आई विटनेस है। नेमली महेंद्र कुमार एंड लॉर्डशिप हेमचंद यादव। उनके लॉर्डशिप बयान में भी आया कि जो कमल किशोर है जो मेन अक्यूज्ड है उसने नाइफ निकाला अपनी जेब से और मारा है। लॉर्डशिप, हमारा रोल इसमें लॉर्डशिप, हम गाड़ी चला रहे थे और वहां पे जाके रुकी है गाड़ी बिकॉज जो कंप्लेनेंट हिमसेल्फ है वो खुद लड़ाई स्टार्ट करने के बाद रुकवाए, कुछ बात बहस हुई उसके बाद फिर जो मेन एक्यूज है जिसकी बेल विड्रॉ हुई है उसने मारा है। लॉर्डशिप सीजन में भी हमसे कुछ नहीं हुआ। स्टेटमेंट रिगार्डिंग हु हैज असॉल्टेड द विक्टिम? लॉर्डशिप, आई विटनेस है लॉर्डशिप, बताइए। और विक्टिम का, विक्टिम कौन है? विक्टिम लॉर्डशिप नेम दिनेश साहू। उसके स्टेटमेंट आया क्या? उसके स्टेटमेंट में भी है कि जो उसे मारा है जिसे चाकू से वो कमल किशोर कम ने दाम है। लॉर्डशिप, उसका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। नाम सभी का है स्टेटमेंट में माने। क्या नाम है विटनेस का अभी का? छोटू गिरी गोस्वामी लॉर्डशिप। छोटू गिरी, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम? विक्टिम का होगा इसमें, विक्टिम का भी हुआ लॉर्डशिप। उसमें भी है कि ये लोग तीनों साथ में आए हैं और एक राय होकर मारे हैं, लेकिन मारने का एलिगेशन सिर्फ उसके ऊपर है। नहीं तो आप जब एक साथ हो के आए हो लॉर्डशिप, जो तीनों को तीनों एक्यूज थे लॉर्डशिप एक ही गाड़ी से आ रहे थे तो ठीक है ना, और वहां पे फिर इनके बीच में बात बहस हुई तो तीनों को क्यों नहीं होगा भाई? लॉर्डशिप, आप उसके साथ सहभागी तो हो? लॉर्डशिप, आए उनके साथ है, वो तो एडमिटेड फैक्ट है। लॉर्डशिप से मारे हैं और एक जन ने चाकू से मारा है। थोड़ा ठीक है, अभी तो एक आध गवाही कोर्ट में हुई क्या बयान? नो लॉर्डशिप, गवाही नहीं, चार्ज के लिए चल रहा है। चार्ज लगाओ ना, फटाफट आगे बढ़ाओ केस। एक प्रीवियस रिकॉर्ड है हमारे उनका, इसका इसी का लॉर्डशिप बोल, अभी मैंने चेक किया उसको, 2023 का ये 294-506-323 का, यानी मारपीट वाले आदि है। Where the statement of the victim? वो चार्जशीट का ही पार्ट है लॉर्डशिप, विक्टिम का स्टेटमेंट। जसमीत गवाह के आसपास के लिए उसके दो या तीन आई विटनेस के, दो या तीन विटनेस के बाद हैं। अपराधी गण के, आरोपी गण के पूरा आपराधिक प्रकरण में, बस इसीलिए हमको वहां लोअर कोर्ट से नहीं, क्रिमिनल क्रिमिनल
हाँ तो पहले तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपका ना। लॉर्डशिप, उसने लॉर्डशिप दो क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे नॉलेज में, हमने उसको मेंशन भी किया है। एक हाँ लॉर्डशिप लोक अदालत में सेटल हो चुका है, जो एक क्राइम नंबर है 226/2024, हाँ एंड लॉर्डशिप एक जो 411/2023 है, उसमें लॉर्डशिप अभी तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं। तो चार्जेस में मतलब आपको क्रिमिनल एंटिटी तो है। चलो लॉर्डशिप एक उसमें सेटल हो गया ऐसा। हाँ सेटल लॉर्डशिप है तो उस, सेटल तो डिफरेंट ही। लॉर्डशिप उसको हमने मेंशन भी किया अपने यस यू पिटीशन हैव में, मेंशन इट वेरी लॉर्डशिप ट्रू, बट दी सेटलमेंट इज ऑल टूगेदर डिफरेंट थिंग। लॉर्डशिप अरे क्या दवाई करो, कोर्ट लॉर्डशिप के बयान में कुछ आएगा तब देखेंगे, तब कर देंगे। लॉर्डशिप कहाँ कथन चल, एक मिनट, इसके कथन प्राथी, क्या नाम है दुनेश प्राथी का? दुनेश साहू, दुनेश साहू। साहू, ये दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे। यस अरे सभी तो सहभागी हो आपने, लॉर्डशिप आए हैं वो तो है। तभी तो चाकू मार पाया उसने। नहीं तो चाकू तीनों मारने साथ में, में है वो तो नहीं नहीं एडमिटेड नहीं है लॉर्डशिप। नहीं नहीं साथ तीनों होना और हाथ हाँ में पकड़ना, आपने तो उसको मतलब एक्यूज को ये वो दिया, अम्ब्रेला दिया कि इसको अटैक करो, यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व। लिखो भाई, खारिज करते हैं आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल विटनेस मैटर लॉर्डशिप विड्रॉ आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ दिस क्योंकि मेन अक्यूज के भी विड्रॉ हुए थे लॉर्डशिप विड्रॉ। लॉर्डशिप थोड़ा तो एक आध साल रहोगे तब आराम से चले लॉर्डशिप जाओगे। एमडीपी ऑफ लॉर्डशिप।